सीपीएस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता को रद्द करने पर राहत दी है और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है और कहा है कि फिर से सीपीएस की नियुक्ति नहीं हो सकती है। विधायकी खत्म होने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो गई है। भाजपा इसको लेकर प्रश्न उठा रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व विहीन है, इसलिए हर मामले को तूल दे रही है। भाजपा को लोकतंत्र के मूल्यों को समझना चाहिए। भाजपा के सरकार गिराने के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और इस फैसले पर भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। जो मुद्दे ही नहीं हैं, उनको मुद्दे बनाने की भाजपा कोशिश कर रही है। वहीं पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी सरकार को कुछ राहत मिली है। रिव्यू पिटीशन दायर कर सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 9 होटलों को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि ये होटल पिछले 2 सालों में ही घाटे में नहीं आए हैं, पूर्व की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते घाटे में थे। कांग्रेस सरकार होटलों की स्थिति को बेहतर करने का कार्य करेगी। ये हिमाचल के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट था। आज जो सीपीएस को लेके माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया था हिमाचल प्रदेश से, उसको हमने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज वो लगा था मामला और आज बड़ी राहत हमें मिली है कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो इस पे आगे डिस्क्वालिफिकेशन को लेके पैरा 50 था, उसको स्टे कर दिया। मतलब अगली कार्रवाई इन विधायकों को सदस्यताओं को लेके कोई खतरा नहीं है। फिर उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जो दूसरे राज्यों के जितने भी ऐसे केसेस थे, उसके साथ इस केस को भी क्लब कर दिया गया। मतलब ये मामले जो है इकट्ठे सुने जाएंगे। और इसके अलावा ये जरूर कहा है कि आप इनको दोबारा अपॉइंटमेंट सीपीएस और पीएस नहीं करेंगे। वो सरकार ने माना है कि हम इसको लेके नहीं करेंगे। लेकिन सीधे तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये बहुत राहत की बात है कि जो एक ऐसा माहौल विपक्ष के लोग और भाजपा के लोग प्रदेश के अंदर बना रहे थे कि इनकी सदस्यता चली जाएगी, दोबारा चुनाव होगा और सरकार को अस्थिर करेंगे, तो ये सारी मुहिम फेल हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से मजबूत पहले भी थी, आज भी है। और अब सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि प्रदेश के विकास के लिए और लोगों के लिए काम करना है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के चैनल के माध्यम से विपक्ष के नेता को भी कहना चाहता हूं कि आप एक पॉजिटिव भूमिका जो है विपक्ष की निभाएं, जो प्रदेश के हित में हो, लोगों के हित में हो। आप ये जो साजिश है सरकार को गिराने का, जो प्रयास बार बार किया जा रहा है, जैसे आपने देखा कि पहले ऑपरेशन लोटस लाया गया, क्या मंशा था? कुछ कांग्रेस के अंदर के जो विधायक थे, जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी, आज उनमें से आपने देखा उन्होंने पाला बदला और उसके बाद कई लोग घर बैठ गए, दोबारा विधायक नहीं बन सके। हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की राजनीति को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो 5 साल के लिए लोकतंत्र में लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार को बदलने का गिराने का सारा अधिकार जनता के पास है, मतदाताओं के पास है। विपक्ष के नेताओं को एक अपनी अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। जिस प्रकार लगातार पिछले दिनों बिना नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश की बदनामी भाजपा के नेता करते रहे, चाहे वो समोसा की बात करें, कांड की बात करें, या टॉयलेट टैक्स की बात करें, या टूरिज्म होटल जो हाईकोर्ट का एक फैसला था उसको लेके एक नेगेटिव पब्लिसिटी और माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं ने किया, मैं समझता हूँ आज उसके लिए एक बहुत ही ये करारा जवाब उनको मिला है। पे उसमें माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, जिसमें लगातार घाटे में चल रहे थे, उसको लेके कहा था कि हमें इसको बंद करवाना चाहिए। लेकिन आज हमने उसके ऊपर रिव्यू किया था, माननीय कोर्ट ने इसको माना है, उसमें से 9 को चलाने की इजाजत दे दी और आगे भी देखेंगे कि इसको और जो बाकी बचे हैं उनके ऊपर सरकार को कोर्ट में क्या जवाब देना है, किस किस तरह का काम करना है। और हमने जो कमेटी बनाई है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की, उनकी रिपोर्ट कितने दिन में आते हैं, उसके क्या सुझाव हैं, और जो स्टेक होल्डर जो सरकारी कर्मचारी हैं, और हमारा भी प्रयास है, हम भी चाहते हैं ये जो है प्रॉफिट में आए, कहाँ कमियां हैं, किस तरह के प्रयास करने हैं आगे जाके इन सारी चीजों को मिलाकर, तो वो करेंगे। तो आज वो भी अच्छी खबर है, मुझे लगता है आगे जाके भी बाकी जो है वो भी अच्छा ही रहेगा।